स्वागत है आपका तेरे सेंसर में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को यह बताने वाला हूं कि एनसीसी 2021 2021 और 22 सेशन का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। आप देख रहे हो सेशन 2021-22 इंडियन आर्मी एनसीसी एनसीसी फॉर्म, ये 2021 का है। 2021 का फॉर्म फिलअप सभी जगह शुरू हो गया ऑल इंडिया में। तो आप लोग जहां से भी हो, जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप अपने एनसीसी बटालियन पता कर लो कि आपका एनसीसी बटालियन कहां पर है। अभी मैं आपको इसमें आगे सारा दिखाऊंगा कहां कहां से कुछ जगहों का फॉर्म मेरे पास आया है, ठीक है। कैडेटों ने भेजा है कि सर मेरे यहाँ फॉर्म फिलअप हो गया। ये आपका कहां का, ये अलीगढ़ यूपी का है, वहां पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आपको सारा कुछ इसमें इस तरह से फिलअप करना है। नेक्स्ट आइए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये 60 नंबर, यानी इससे पहले 59 कैडेटों न्यू स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये आशीष अनिल भोयर है, महाराष्ट्र का है ये कैडेट। तो महाराष्ट्र में भी फॉर्म फिलअप शुरू है, यानी मैं आपको पहले बता दिया कि ऑल इंडिया में फॉर्म फिलअप शुरू है। आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी जगह से हो, आप अपने एनसीसी बटालियन जाएंगे, एनसीसी बटालियन से आप कॉन्टेक्ट करो। मैंने आपको जुलाई से ही बता दिया है कि आप लोग अपने अपने नजदीकी एनसीसी बटालियन आप लोग एक बार जाइए। आपको कोई घर पर नहीं बताने जाएगा कि बाबू फॉर्म फिलअप शुरू हो गया, आप आके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है ना, आप आ जाओ। आपको जाना पड़ेगा एनसीसी बटालियन एक बार कंफर्म वहां पे पता करने कि कब से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है आपके यहाँ। और जहां पे नहीं हो रहा है कुछ जगह पे, तो वहां पे कॉलेजेस में न्यू एडमिशन, अभी इंटर का न्यू एडमिशन हो जाएगा ना या फिर ग्रेजुएशन वाला, तो ठीक उसके बाद तुरंत बाद होगा। तो आप एक्टिव रहना, नहीं तो फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये महाराष्ट्र का है, आप देख लो आपको इसमें सारा कुछ, ये सारा कुछ किस तरह से फिलअप करना होता है मैंने पहले वीडियो अपलोड करके बता दिया आपको। वीडियो में अच्छे से, काफी अच्छे से बताया हूँ क्या क्या फिलअप करना होता है। ये उसी लड़के का है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ये दूसरे स्टेट का किसी लड़के ने सेंड किया था, 83 नंबर उसका फॉर्म था, उसने फिलअप नहीं किया था, बट उसने सेंड किया था कि सर फॉर्म फिलअप हमारे यहाँ शुरू हो चुके, उसने फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो आप जहां से भी है बटालियन जाइए और आप फॉर्म फिलअप करो, वहां पर कन्फर्म करो कि कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है आपके यहाँ, ठीक है। नहीं तो फिर आपका छूट जाएगा, फिर इतना अफसोस होगा कि पूछो मत। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, मैंने सेंड किया था एक लड़का एनसीसी न्यू भर्ती में, वो उसने रिटन टेस्ट निकाल ली, फिजिकल निकाल ली, बट उस लड़के का एज ज्यादा था, स्कूल का स्टूडेंट था, उसकी एज ज्यादा थी एक साल, जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत रो रहा था, मैंने उसको बोला कि ठीक है कॉलेज में आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे एनसीसी डायरेक्टरेट बिहार एंड झारखंड का है। बिहार और झारखंड में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, नेटसा ऐप के थ्रू, NETSA नेटसा ऐप के थ्रू हो रहा है। आपका किस तरह से फॉर्म फिलअप हो रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यूपी में कुछ जगह पे ऑफलाइन, कुछ जगह पे ऑनलाइन हो रहा है। तो आप लोग अपने एनसीसी बटालियन से कांटेक्ट करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, आप अपने एनसीसी बटालियन से कांटेक्ट करोगे कि आपके यहाँ ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन। ये हमारे बिहार का कैडेट है, बंटी स्टूडेंट है, बंटी कुमार, तो इसने देखिए सारा फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो आपको अच्छे से सारा फॉर्म फिलअप करना होता है, और ब्लॉक लेटर में सारे, कभी भी फॉर्म ब्लॉक लेटर में फिलअप करते हैं। तो आप जहां से भी हो, मैं आपको इसलिए स्पेशली बार बार, मैं 75 बार बोल रहा हूँ, आप जहां से भी हो, आप अपने नजदीकी एनसीसी बटालियन जाओ, एनसीसी बटालियन जाके और वहां पे पूछो विनम्रतापूर्वक कि सर एनसीसी का फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर बस रोना आएगा। और फॉर्म फिलअप करके अच्छे से प्रिपरेशन करो, रोजाना मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से लाइव क्लास होती है। मॉडल पेपर मैंने 6 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हो, एनसीसी न्यू एडमिशन का टोटल 6 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, और 1 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा एक दो दिनों में। तो आप 9 बजे रेगुलर क्लास करेंगे, ये सारे मॉडल पेपर याद कर लेना, इसमें से आपके काफी क्वेश्चन आएंगे एनसीसी न्यू एडमिशन में। बाकी आपका बेसिक नॉलेज ठीक होना चाहिए और करंट अफेयर्स देखते रहना, ठीक है। बाकी मैंने जितना मुझे लगा कि ये सब पूछेगा, और जितने पूछेगा अब तक वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 6 मॉडल पेपर्स में। और 1 मॉडल पेपर, ये जो 7th मॉडल पेपर अपलोड करूंगा 7वां, इसमें जो अभी भर्ती हो रही है ना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो सारे बताऊंगा। तो आप 6 मॉडल पेपर अच्छे से याद करो, रोजाना मॉर्निंग टाइम में रिवीजन क्लासेस करो 9 बजे, नहीं तो फिर फेल करोगे तो लॉस आपका होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रोना आपको आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और बहुत लोग क्लासेस करते हैं तो उनका देख लो, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, मैं अभी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा ना उसका स्क्रीनशॉट, जिनका सिलेक्शन हो गया कितने खुश है। और काफी ज्यादा मतलब 80% 90% मेरे पढ़ाई हुए क्वेश्चन आए हैं न्यू भर्ती एग्जाम में भी। तो आप अच्छे से सारे याद करो, रेगुलर क्लास करो, और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको जब भी क्लास हो या फिर कोई वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे, और समय से आप क्लास करोगे।
और एनसीसी भर्ती में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एनसीसी भर्ती में कौन कौन सा टेस्ट होता है न्यू एडमिशन में, वो सारा मैंने एक वीडियो में काफी अच्छे से बता दिया है। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसमें बताया हूँ आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आप कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, बॉयज की रनिंग कितनी होती है, गर्ल्स की कितनी होती है, टाइमिंग कितना मिलता है, कितनों का सिलेक्शन होता है, आपको पुशअप कितने लगाने होते हैं, पुलअप कितने लगाने होते हैं, सीटअप्स कितने लगाने होते हैं, सारा कुछ उसमें एक एक करके बताया काफी बढ़िया से। आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है या फिर घर से एनसीसी करना होता है, आप कॉलेज में किस क्लास से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, और रिटन टेस्ट कितने नंबर का होता है, एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो सारा कुछ उस वीडियो में काफी अच्छे से बताया हूं। और जैसे आप होम पेज ओपन करते हो वहां पर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, यूट्यूब के लिए स्पेशली इशू किया है व्हाट्सएप नंबर, आपको जो भी डाउट होगा या फिर ग्रुप में ऐड होना होगा, आप अपना नेम, स्टेट नेम, बटालियन नेम और कौन सी क्लास में हो और पर्पस क्या है, न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन लिख के मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और मॉडल पेपर्स भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो स्पेशली इसीलिए था कि आपको मैं बता दूं कि फॉर्म फिलअप सभी जगह शुरू हो चुके हैं ऑल इंडिया में, आप अपने बटालियन से कॉन्टेक्ट करो, नहीं तो फिर अफसोस करोगे फॉर्म फिलअप नहीं किया और टेस्ट पास किया एनसीसी में ज्वाइन नहीं किया तो, क्योंकि काफी भीड़ होती है वहां पे, सीट्स 15 सीट, 20 सीट, 25 मैक्सिमम 54 सीट होती है कॉलेज में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आप होते हैं 400 से 500, तो समझ लो कितना कंपटीशन टफ होता है, मतलब उसमें से मात्र 54 लोगों का सिलेक्शन करना है, मात्र 54 यानी कितने हो गए, एक सीट कितने में से सिलेक्ट करनी है, 2, 8 यानी 8 से 10 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन करना है, तो आप समझ लो इसमें से 8 में से अगर एक जाते हैं तो फिर 7 लोगों को रोना है, तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा वहां फिजिकल और रनिंग दोनों में, किसी एक में छटे, फिजिकल और रिटर्न किसी एक में छट गए मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिकल में छट गए तो फिर रिटर्न में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारे फिजिकल काफी टफ होता है। आज के वीडियो स्पेशली इसलिए था, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दे और कमेंट करें जो भी आपको जानकारी चाहिए और वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, बाकी मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ जो भी होता है, और मॉर्निंग टाइम में 9 बजे सभी लोग क्लास करेंगे, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना चैनल को, नहीं तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कब क्लास जुड़ी है, कब कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।